और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रामपुर दौरे की तैयारियां तेज हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और जमकर नारेबाजी की। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री राजेश अवस्थी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता खिरनी बाग रामलीला मैदान पहुंचे और अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। साथ ही नगर मजिस्ट्रेट को विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा और अखिलेश यादव के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री राजेश अवस्थी ने बताया कि 13 सितंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव शाहजहांपुर होते हुए रामपुर जा रहे हैं, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया जो कि राष्ट्र के खिलाफ है। हम अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में कई नए स्थानों से ताजिया निकलने की परंपरा डालने की कोशिश की गई, दोषी लोगों पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी मांग की कि जम्मू का दौराहे पर दुर्गा मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, विरोध करने पर वहां के पुजारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मौके पर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धारा 370 का विरोध करने वाले कभी भी शाहजहांपुर में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में सपा के मुखिया अखिलेश यादव शाहजहांपुर की धरती पर अगर अपने रखते हैं तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। उसी क्रम में हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो शाहजहांपुर से गुजरते हैं और अपना स्वागत करवाते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और युवा तंडराई उनका विरोध करेगी और काले झंडे दिखाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत माता का विरोध किया है। धारा 370 जिससे युवा पीड़ित था, देश पीड़ित था, 70 सालों से कांग्रेस ने जंगल राज कर रखा था, वहाँ हम सांस नहीं ले सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक झटके में उसको अलग कर दिया और धारा 370 को समाप्त कर दिया, जिसके विरोध में बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसका समर्थन नहीं किया है, इसलिए वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही का स्वागत शाहजहांपुर के नगरी पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करेंगे। और आजम खां जो भारत माता को डायन कहता है और सेना को बलात्कारी कहता है, उसके समर्थन में माननीय अखिलेश यादव जा रहे हैं, इसलिए हम लोग शाहजहांपुर की धरती पर उनके कदम पड़ेंगे तो उनका विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।